कुरकुरे बर्गर बनाने के लिए हम पहले सबसे पहले टिक्की बनाएंगे। उसके लिए एक पैन चढ़ाया और एक टेबल स्पून ऑयल डाला। अब इसमें एक छोटी बारीक कटी प्याज चाहिए और उसको एक मिनट के लिए सौते करेंगे। अब यहाँ पर फ्रोजन मटर एक टेबल स्पून के करीब डालेंगे और आपके पास अगर हरी मटर है तो उसको उबाल के डाल दीजिएगा। और नमक स्वाद के अनुसार एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे कलर अच्छा आ जाएगा, और आधा टेबल स्पून गरम मसाला और दो बॉयल्ड आलू। इसको हम क्रश कर लेंगे और थोड़े से जो मोटे मोटे टुकड़े रह गए हैं उसको मैसर से अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो ये जो मैसर है उससे जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो अच्छे से मैश हो गए और हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है टिक्की के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिक्की को अच्छा शेप देने के लिए ये जो क्लिंच फिल्म है इसको हम लेंगे और थोड़ा सा काट लेंगे। बर्गर की टिक्की मार्केट से भी आप ले सकते हैं और लेकिन हमने तो ये घर पे तैयार किए, तो जो ये डो ठंडा हो गया अब इसको क्लिंच फिल्म में लगा के ठीक से लपेट लेंगे और इसको फ्रीजर में 10 मिनट के लिए और या फ्रिज में रखना है तो 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसका शेप बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये हमने फ्रिज में रख दिया और अब हमें कोटिंग के लिए बैटर तैयार करना है। तो हमें दोनों की कोटिंग करनी है, बर्गर की भी और टिक्की की भी। तो हमने मैदा लिया एक कप और एक टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा टेबल स्पून अमचूर पाउडर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके बैटर तैयार करेंगे और पानी एक साथ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि लम्स पड़ सकते हैं और बैटर जो हमारा वो स्मूथ नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने बैटर तैयार कर लिया, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो इसको क्योंकि कोटिंग के लिए तैयार किया जाता है तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छा बैटर बना लिया। तो अब इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर जाएगा जिससे टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ये देखिए बैटर तैयार हो गया और अभी 15-20 मिनट के बाद हमने ये जो टिक्की रखी थी फ्रिज में उसको निकाल ली और क्लिंच फिल्म को हटा के इससे हम बराबर हिस्सों में टिक्की काट लेंगे। तो आलू की टिक्की अब बन के तैयार होने वाली है। अब इस पर कोटिंग होगी और हम टिक्की को सैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने तीन भागों में टिक्की तैयार कर ली है। तो अब हम बारी आती है कि इसको कोटिंग करने की। तो हमें इसमें ब्रेड क्रम्स भी रखना है, एक कोटिंग हमें जो बैटर तैयार किया था उससे करने के बाद उसमें ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। उस कोटिंग के लिए हमने दोनों हाथों का यूज़ करना है, एक हाथ से जो बैटर रखा था उसको ब्रेड क्रम्स में रख के दूसरे हाथ से फिर जो हमने क्रम्स रखा था उसको अच्छे से टिक्की पे लपेट लेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब बारी आती है कि टिक्की को सैलो फ्राई करने की। वैसे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें जो बर्गर बनाना है उसको डीप फ्राई करके बनाना है तो हम यहाँ जो टिक्की है उसको सैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, टिक्की का बहुत ही ब्राउन कलर है। और इसको धीरे से निकाल लेंगे, इसमें जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाएगा साइड से। और इसको प्लेट में डाल लिया हमने। अब बारी आती है असेंबल करने की बन को। तो ये जो बन हमने लिया था वो मार्केट से लिया और उसके ऊपर सिसमी सीड्स रखे हैं। आप बिना सिसमी सीड के भी बन यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसको चाकू से कट कर लिया दो बराबर हिस्सों में। इधर हमने पैन चढ़ाया बर्गर को सैलो फ्राई करने के लिए और बटर डाला। बटर मेल्ट होते ही जो दोनों पार्ट है उसको पैन में रखा और फ्लेम हमारी स्लो रहेगी और धीरे धीरे करके हम जो ये बर्गर है उसको फ्राई करेंगे और अच्छा लाल कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है बर्गर का, वाओ। और अब इसको एक तरफ से ही सेकेंगे क्योंकि हमें पूरा डीप फ्राई करना है ना। तो ये दोनों पार्ट को हमने प्लेट में रखा। अब बारी आती है इसको असेंबल करने की, लेयरिंग करने की। तो एक पार्ट में हम मेयोनीज लगाएंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और चीज स्लाइस रखेंगे उसके ऊपर। और दूसरे पार्ट में जो हमने आलू की टिक्की बनाई थी उसको रखा
और जहाँ चीज़ रखा था उसके ऊपर हमने टोमेटो स्लाइस रखेंगे। आप चाहें तो कोई भी सब्जी रख सकते हैं। इधर हमने पनीर के जो दो टुकड़े किए हुए थे उसको बीच में डाला। पनीर बच्चों को बहुत पसंद आता है और हेल्दी भी होता है। और अनियन स्लाइस भी डाला टोमेटो के ऊपर और दोनों को एक दूसरे पर कवर कर दिया। हल्के हाथों से दबाएंगे और क्योंकि फीलिंग बाहर ना आ जाए। अब ये देखिए हमारा नॉर्मल बर्गर बनके तैयार हो गया। लेकिन अभी इसको और भी यमी और डिलीशियस बनाना है तो अब इसको हम फिर से कोटिंग करेंगे। तो जो मैंने ये बैटर बनाया था उसमें धीरे धीरे डिप करके चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लिया। देखिए अब यहाँ पे क्रंची बनाने के लिए हम दूसरा कोट तैयार करेंगे। उसको मैंने कॉर्नफ्लेक्स को ग्राइंड करके कोटिंग तैयार की है। तो एक हाथ से उसको कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रखा और दूसरे हाथों से हमने उसके ऊपर से कवरिंग करना चालू कर दिया। अच्छे से कोट कर लेंगे धीरे धीरे करके। इतना ज़्यादा कोट कर लेंगे कि जो बाहर अंदर की फीलिंग है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी हमारा बर्गर बनके तैयार होने वाला है। इसको टूथ पिक से दबा देंगे दोनों हिस्से जैसे कि बंद हो गए। तो ये पैक हो गया हमारा जो बर्गर है। अब बच्चों के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए क्या ना करना पड़ता है। तो देखिए कितना अच्छा हमने क्रंची क्रिस्पी बर्गर बनाने के लिए अब इसका फ्राई करने की तैयारी की है। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है और उसमें हमारा ये जो बर्गर है उसको डाल दिया और धीरे धीरे करके ऑयल ऊपर से स्प्रेड करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लेक्स है वो हल्का सा फ्राई हो जाए। पूरे बर्गर को फ्राई होने में 3-4 मिनट लगते हैं और जो फ्लेम है वो हमारी स्लो रहेगी। तो धीरे धीरे करके बर्गर पक जाएगा और ऑयल एकदम अंदर नहीं जाता क्योंकि जो कोटिंग है बहुत ही मजबूत हो गई है। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बर्गर बनके तैयार हो गया है। अब बारी आती है सर्व करने की। तो हम लेट्यूस लीफ लिए और ऊपर से क्रंची क्रिस्पी जो हमारा बर्गर है उसको रखा। बच्चों की पार्टी के लिए एक अच्छी सी रेसिपी तैयार हो गई है। और ऊपर से हम ये में चिप्स भी डेकोरेट कर सकते हैं और कोई भी डिप आप यूज़ कर सकते हैं। सॉस लें या मेयोनीज डिप लें, कुछ भी आप टेस्टी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्रंची क्रिस्पी बर्गर बनके रेडी हो गया है। और इसको अगर काटेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग दिख रही है और इसमें एकदम ऑयल नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। इंजॉय। बाय बाय।